नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर आनंद स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में सॉइल प्रोफाइल क्या होता है और सॉइल प्रोफाइल के डिफरेंट लेयर्स क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। तो सॉइल प्रोफाइल जो है, ये उससे पहले हमें सॉइल जानना जरूरी है। तो सॉइल जो है वो सबसे ऊपर का अर्थ क्रस्ट का लेयर है, और जो मेनली ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल रॉक्स और वाटर और एयर्स का बना होता है, और जो क्या करता है, प्लांट्स को सपोर्ट करने का काम करता है। नाउ व्हाट इज़ अ सॉइल प्रोफाइल? सॉइल प्रोफाइल इज़ अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल मेड ऑफ अ लेयर रनिंग पैरेलल टू द सरफेस। अगर आप वर्टिकली सॉइल को कट करते हो तो आपको दिखेगा कि अलग अलग लेयर है, उसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। और इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, होराइजॉन्स, मतलब ओ होराइजॉन्स, ए होराइजॉन्स, बी होराइजॉन्स, ई होराइजॉन्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग लेयर्स हैं, तो हर लेयर को हम क्या बोलते हैं, होरिजॉन। तो ओ होरिजॉन, ए होरिजॉन, ई होरिजॉन, बी होरिजॉन, सी होरिजॉन और आर होरिजॉन है। तो ये आपके अलग अलग सॉइल्स के हॉरिजॉन्स हैं। तो हम इस वीडियो में हर हॉरिजॉन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में सॉइल प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको ए के बारे में, ओ के बारे में, ई के बारे में, बी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो हर हॉरिजॉन्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉप मोस्ट अगर हॉरिजॉन्स कौन सा है, तो वो है ओ हॉरिजॉन, अपर लेयर ऑफ द टॉप सॉइल विच इज़ मेनली कम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। उसमें ड्राइड लीव्स होते हैं, ग्रासेस, डेट्स, स्मॉल रॉक्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है। और ए वाला हॉरिजॉन जनरली फॉरेस्ट में पाया जाता है, और ये बहुत छोटा सा पतला लेयर होता है। इस लेयर में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसलिए इसमें इसका कलर जो है डार्क ब्राउन होता है, और ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। इसको हम ओ हॉरिजॉन्स को हम ह्यूमस भी बोल सकते हैं। तो ये आपके ओ होराइजॉन्स टॉप मोस्ट लेयर है, ये जनरली फॉरेस्ट में पाया जाता है। दूसरा लेयर अगर है तो वो है ए होराइजॉन्स। लेयर कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर डिकम्पोज्ड मटेरियल, एंड द टॉप सॉइल इज सॉफ्ट पोरस टू होल्ड द इनफ एयर एंड वाटर। तो ये टू वाटर का दूसरा लेयर है, जिसमें पानी का एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा है, जिसमें सीड जर्मिनेशन होता है, और रूट जो है वो न्यूट्रिएंट इसी लेयर में से क्या करता है, लेता है। और इस लेयर में माइक्रोब्स, अर्थवर्म्स, फंगाई, बैक्टीरिया, एंड्स, इनकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा लेयर है ई होरिजॉन। ये लेयर जो है वो क्या करता है, दिस लेयर इज कम्पोज न्यूट्रिएंट लीच्ड फ्रॉम द ओ एंड ए होरिजॉन्स। तो इस लेयर से क्या होता है, लीचिंग सबसे ज़्यादा होती है, और ये होरिजॉन जनरली फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है, जिसमें क्ले कंटेंट ले है, लेस है। उसके बाद वाला लेयर है बी होरिजॉन, उसको हम सब सरफेस होरिजॉन भी बोलते हैं। प्रेजेंट बिलो द टॉप सॉइल विच इज हैव अबोव अ बेड रॉक, मतलब ये वाला बेड रॉक और टॉप सॉइल के बीच वाला लेयर, ऊपर वाले लेयर से कंपेयर करेंगे तो ये लेयर जो है हार्ड होता है, इसमें लेस ह्यूमस, सोल्युबल मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर कम मात्रा में हो पाया जाता है। तो ये आपका बी होरिजॉन में, और ये लेयर जो है सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड करता है, और इसका कलर जो है लाइट ब्राउन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्ले सॉइल। ए होराइजॉन और बी होराइजॉन जनरली मिक्स होता है आप जब सॉइल की मिट्टी का प्लोइंग करते हो तब। तो ये आपका बी होराइजॉन है। उसके बाद सी होराइजॉन जो फोर्थ लेयर है, उसको कॉल्ड एज पेरेंट मटेरियल, क्योंकि इससे क्या होता है, रॉक्स होते हैं और इससे डिकम्पोजिशन होके सॉइल बनती है, और इसमें रूट ग्रो नहीं हो सकते, इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं होता है, और ये बहुत डेंस लेयर है, उसको हम स्पोरोलाइट भी बोलते हैं सी होराइजॉन्स को। तो ये आपका सी होराइजॉन है। सी होराइजॉन के बाद सबसे, और इसमें सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर भी आप देख रहे हो पाया जाता है, और उसके बाद वाला जो ये है लेयर है उसको हम बोलते हैं आर होराइजॉन्स। बॉटम सॉइल के प्रोफाइल का ये लेयर है, बेड रॉक बोलते हैं आप उसको। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ थिक स्लैब ऑफ रॉक सच एज ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन, ओके, एंड इट इज़ अ अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंट मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं रॉक। तो ये आपके लेयर है पूरे।